पाकिस्तान से आई मुखबधिर गीता को लेकर इंदौर पुलिस ने नई शुरुआत कर दी है। पुलिस अब गीता के परिवार को लेकर छत्तीसगढ़ में खोजबीन कर रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले गीता के स्वयंवर के लिए बड़ी संख्या में लड़के भी आए थे, लेकिन उस दौरान गीता ने शादी से इनकार कर दिया था। पर अब गीता शादी के लिए तैयार है। इसी के चलते एक बार फिर इंदौर पुलिस गीता के परिजनों को ढूंढने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए पुलिस उसके खान पान पर नजर बनाई हुई थी, जिससे पुलिस को ये लिंक मिली है कि गीता का खान पान उसके छत्तीसगढ़ से ताल्लुक होने की ओर इशारा कर रहा है। वहीं एक साउथ के हीरो को भी गीता ने पहचानने की कोशिश की है, जो इशारा कर रहा है कि उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों से है। लिहाजा एक बार फिर इंदौर पुलिस ने गीता की परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। एक सामाजिक संस्था की मदद से मुद्दा आया था कि पिछले 5 वर्षों से वह बच्ची जो कि पाकिस्तान से लाई गई थी, यहाँ के अलग अलग मुखबधिर केंद्र में है और कई बार घर जाने की जिद करती है, उससे लोग परेशान थे और उस बारे में काउंसलिंग के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे। उस बारे में जब उससे बातचीत की गई तो कुछ चीजें उसमें बड़ी अस्पष्ट उभर कर सामने आई, जैसे कि उसके जिस बारे में, जिस संस्कृति के बारे में उसे पता है, जो खान पान है उसके, जो संगीत जो उसे पसंद है, जो उसका जिस कल्चर के बारे में कुछ चीजें उसको जो गहराई से पता है, और ये सब सारी चीजें वो है जो कि व्यक्ति अगर नहीं पढ़ा लिखा हो तब भी जानता हो, ये उसके बातें सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं और आसपास के परिवेश से वो स्वतः सीख जाता है। तो इन सब चीजों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया, जो चीजें सामने आई कि वो तेलंगाना के उत्तरी हिस्से या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में किसी खास जो संक्रमण क्षेत्र है, जो लगे हुए जो हिस्से हैं उनमें से किसी क्षेत्र की होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जानकारियां मिली वो इस बात की तरफ इंगित करती थी। इस बात की जानकारी के लिए कोशिश की जा रही है, उन जिलों से संपर्क किया जाएगा, वहां पर इसकी जानकारी भेजी जाएगी और पुलिस कोशिश करेगी कि पूरी कोशिश के कारण अगर वो घर पहुंच जाती है तो पुलिस की एक बड़ी सफलता होगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार गीता के अपने परिजनों से मिल पाते हैं कि पिछली बार की तरह ये तलाश ठंडे बस्ते में चली जाती है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।